छेड़खानी करने वाला व्यक्ति नहीं हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर हलिया थाना क्षेत्र के अहुगी गांव में बबीता देवी व कमलेश कुमार से जानकारी प्राप्त हुई कि अजय गुप्ता पुत्र भरत गुप्ता ने बबीता के साथ छेड़खानी की। उनके खिलाफ हलिया थाने में FIR की, लेकिन छेड़खानी करने वाला व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। पीड़िता को पुलिस द्वारा कोई न्याय और सहायता की कोई उम्मीद नहीं दी जा रही है। पीड़िता से हलिया पुलिस केस को दबाने के चक्कर में आनाकानी कर रही है। प्रयागेश्वर न्यूज के लिए मिर्जापुर से संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। आपका बबीता देवी। हाँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि 8 बजे रात आया था और गाड़ी छोड़ के भाग गया। कौन आया था? अजय। अजय है वो? सिंदरा का। कौन बिरादर है? गुप्ता। वो किस लिए आए थे? वो रास्ते में थे। हाँ, खुल कर बताइए आपके साथ क्या उन्होंने क्या जबरदस्ती किया, आपके साथ छिड़खानी किया वगैरह, क्या किया, कैसे किया, मारा पीटा कुछ तो किया? हाथ पकड़ा, बाहर घसीटा। आपको घसीटा? घसीट कर कहाँ ले गया? दर पे था। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इस बात को लेकर किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया आपने? दरखास्त दिया, गाड़ी उसका थाने पे गया मेरा पति लेके। हाँ। और गाड़ी न उसकी पार्टी को बुला न इस पार्टी को, गाड़ी छूट गई। गाड़ी छूट गई, किसी को बुलाया नहीं और कुछ हुआ नहीं इसका? ये कौन सा गाँव है? अहुगी कला है। अहुगी कला। हाँ। तो आप लोग FIR दर्ज कराई? हाँ, दर्ज FIR करा। किस थाने में? हलिया थाने में। हलिया थाने में। तो पुलिस वाले क्या बोले, कुछ आश्वासन दिए या गिरफ्तार किए? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जाओ घर। घर जाओ, आपका कुछ नहीं होगा? हाँ। ऐसे तो थाने पर से नहीं होते, आप किसी और जगह हो, जैसे CO ऑफिस या फिर कोतवाली वगैरह में कहीं और किया, दरखास्त कर दिया? दरखास्त दिया, कल बोला के क्या कहती नहीं मुकदमा दर्ज कर दो, कहो बोले कि मुकदमा दर्ज क्यों लिए होगा? मुकदमा दर्ज नहीं होगा कह रहे हैं दरोगा जी। हाँ। ये हलिया के दरोगा जी हैं? हाँ। उनका क्या नाम है? पता नहीं। अमित सिंह। अमित सिंह बड़े दरोगा थे कि और कोई छोटे दरोगा थे? दो दरोगा थे। चलिए, आपका क्या नाम है सर? कमलेश कुमार, एडवोकेट। एडवोकेट, ये क्या समस्या है इनकी, कैसी है? ये दलित उत्पीड़न का मामला है और छेड़खानी के मामले में प्रार्थना पत्र दिया गया। कहाँ दिया गया था? ये जस्सो हलिया को जी। तो क्या हुआ? तो उसने गंभीरता से विचार नहीं किया, उस पर जो है कह रहा है कि पहले का मामला है, इसमें हम FIR नहीं करेंगे। गाँव तो 151 में चलान कर दे उसका। तो 151 में तो आम आदमी का चलान होता है? आम आदमी का चलान होता है। तो फिर ये जो गंभीर मैटर है तो इसको जो है संगीन अपराध को नहीं मान रहा है वो थाना अध्यक्ष जो। तो इसके बाद कहीं और उच्च जगह उसका जांच पड़ताल किया? कुछ नहीं, कहीं जांच नहीं किया। ऑटोमेटिक का दे रहा है कि जो है कि पहले का मामला है, ऐसा कुछ संगीन नहीं है। अच्छा, ये बबीता के पति का क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद कुमार। और जो वो छेड़खानी किया था? अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार गुप्ता। और उनके पिता का नाम? भरत लाल गुप्ता। अच्छा, तो सर जैसे यहाँ से ये लोग कह रहे हैं तो इनके ऊपर जो इसे CO ऑफिस है कोतवाली है वहाँ तो दरखास्त नहीं दिया गया? हाँ, SP को जो है दूरभाष पर सूचना दी गई है। SP को दी गई जी। तो वहाँ से अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया।